अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रमज़ान? और आज जो है ना वो 21 रोज़ा है। इट्स मीन कि मैं अल्टरनेट डे से बनाती हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा कि आज जो है 21 रोज़ा इफ्तार जो है उस पर हमारी आ रही है फुप्पो। तो भाई बहुत स्पेशल मोमेंट है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आ रही है इस मतलब इन रमज़ान में पहली दफ़ा फ़ज़ुप्पो जो है और शाहज़ुप्पो साथ इफ्तार करेंगे, तो क्यों ना आज कभी जो है ना मतलब व्लॉग रिकॉर्ड किया जाए। तो भाई मैं आ गई अपना कैमरा लेके अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज है हमारा 21 रोज़ा और आज जो है मुझे किचन में बिल्कुल नहीं जाना है किसी भी काम के लिए, क्योंकि आज आ रही है इफ्तार बाहर से हमारी। तो बाबा लेने के लिए गए हुए हैं बाहर से इफ्तार, जब तक कि हम देख लेते हैं कि अंदर कौन कौन जाग रहा है और फिर जो है देखते हैं कि आज सहरी में क्या होने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं। और यार मुझे ना नींद ज़रा थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए प्लीज़ आगे पीछे वर्ड्स हो जाएँ तो उसको इग्नोर करिएगा। और ये मेरा पूछा अभी तक के सो के नहीं उठा, कैसे सो रहा है चूजा बनके, जबकि कल तो इसको स्कूल भी नहीं जाना। मुन्ने सैरी नहीं करनी आपने, सैरी नहीं करनी लेने गए में बाबा, सैरी करोगी नहीं? हाँ बाहर से सैरी आ रही है, आज तो सैरी नहीं करनी। और ये बस मोहतरमा बेटा 21 की शब है, तुम ना तुम जाके इबादत कर लो रील्स देखने के बजाय, समझ आ रही है बात? और ये मैडम भी आज जाग रही हैं, इसलिए कि आज बाहर से सहरी आ रही है इसलिए आज ये भी जाग रही है लड़की। वेरी गुड, आज तुमने पूरा दस्तर खुद उठाना है और ख़ुद बिछाना है, आज ये काम कोई नहीं करेगा तुम्हारा। बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, उठे रहो उठे रहो। और आप भी मैडम, मुझे पता है अंदर मोबाइल छुपा के रखा हुआ इसने। तो बाबा सानी जो है वो आ गए हैं नीचे, तो हम लोग जल्दी से चलते हैं नीचे और देखते हैं कि आज हमारी सहरी में क्या क्या चीज़ें आई हैं। और फर्स्ट सहरी है जो हमने बाहर से कुछ मतलब बाहर से भी कुछ मंगवाया है, और फिर भी चलो बाहर से तो रमज़ान में हमने अभी सहरी में मंगवा लिया था, लेकिन जो है सब साथ जो है ना वो फर्स्ट सहरी के सब साथ करेंगे सहरी, तो इसलिए ना थोड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पर जो है हमारी सहरी में है बहुत मज़े की जो है निहारी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है यार देखने में, और जो है पराठे साथ ही। मुझे जो है ना वो वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा शोर शराब हो रहा था, मैंने कहा आवाज़ ही नहीं आएगी मेरी, इसलिए सोचा कि मैं वॉइस ओवर ही कर लूँ। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की निहारी थी टू बी ऑनेस्ट, और साथ फेनी ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है हमारी सहरी में, फेनी ना हो और दही ना हो। तो यहाँ पर फेनी और दही दोनों थे हमारे साथ। और आज जो है ना इफ्तार पे रही दानिया, सॉरी सहरी पे यार इफ्तार निकल रहा है बार बार, दानिया अदीना अमजद पप्पा, और अमजद पप्पा एज़ यूजुअल वही कह रहे थे कि सब्सक्राइब कर दिएगा। ये मेरा छोटा सा पूछा अशु चाचू, और जो है बराबर में अशु चाचू के तो नखरे ख़त्म ही नहीं होते, और बराबर में हमजा, और वहाँ पे जो है ना कॉर्नर पे बैठी हुई है राहीन, मोहतरमा राहीन खातून हमारी। अच्छा जी, तो इसी के साथ जो है वो तकरीबन हमारी 21 सहरी भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, और अब बस वक्त हो रहा है सोने का। और काफ़ी ज़्यादा हैवी खा लिया ना, तो पेट में मेरे तो अभी से दर्द शुरू हो गया क्योंकि इतना हैवी खाने की आदत ही नहीं हम लोगों को। लेकिन फ़िलहाल जो है बस अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी जहर के टाइम। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। और जो है क्या नाम है, अभी वक्त हो रहा है कोई क्या टाइम हो रहा है, तकरीबन 2:30 बजे का। और जो है यहाँ पे बहुत बड़े से आप पे चल रहे हैं कि यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही। आज हमारे घर में आने वाले गेस्ट और हमारे घर की लाइट जो है ना वो इतना तंग कर रही है, इतना तंग कर रही है कि मैं क्या बताऊँ बस। तो परेशान हाल हम लोग जो है बस ऐसी नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद जो है अब मैं आ गई हूँ चाची के घर अपना कुछ काम करने के लिए। यहाँ पे जो है वो मैं अपना लास्ट ईयर का बना रही हूँ प्रैक्टिकल जर्नल। जी, तो अब वक्त हो रहा है कोई 4:30 बजे का, और घर में जो है वो मेहमान हमारे आ गए हैं, पुप्पो आ गई हैं। और लेकिन अफसोस मुझे जाना पड़ रहा है ऑफ़िस आज, क्योंकि 2 दिन से मैं ऑफ पे थी, तो आज मुझे जाना है ऑफ़िस। तो अब मैं इसमें निकल रही हूँ रेडी होकर ऑफ़िस के लिए। घर में आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी वक्त हो रहा है कोई 6 बजे का, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और आज हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, ये पुप्पो लोग। आज हमारे किचन के जो मनाजिर हैं वो हैं कुछ ऐसे कि आज बन रहे हैं यहाँ पे पकोड़े, ऑलरेडी बन चुके हैं भाई। नंद का बड़े जो है ना वो जोशो खरोश से जो है वो क्या कहते हैं स्वागत नहीं हो रहा यहाँ पे, खातिर तवाज़ो हो रही है। तो यहाँ पे जो है अम्मी बहुत मज़े के पकोड़े बनाते हैं, जिसके अंदर अम्मी ने बॉयल आलू और जो है ये कौन सी मिर्च डाली हुई, ब्लैक काली कुटी हुई मिर्च डाली हुई काली वाली और कूट के, और जो है नमक और आलू, और ये इतने लजीज बनते हैं ना। अंडा डाला हुआ है, हाँ ना, डबल रोटी भी डाली हुई, क्या क्या डाला है आप खुद बता दें। अंडा, डबल रोटी, नमक, आलू और काली मिर्च, बस।
आसान हो गया मेरा काम, ये सब कुछ अम्मी ने डाला है। और अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना बनके भाई बेहतरीन होगा, बहुत मज़े का। और यहाँ पे जो है इसको मैदे की कोडिंग करके जो है इसको करेंगे अम्मी फ्राई, सेकेंगी बल्कि, फ्राई भी नहीं करेंगी। आज जो है ना फुप्पो लोगों का आना कुछ ज़्यादा ही मुबारक साबित हुआ है कि आज हमारा एक साल पुराना पतीला जो कि अम्मी ने ऐसे ही नया का नया रखा हुआ था वो भी आज अम्मी ने निकाल लिया फुप्पो लोगों के किस उसमें स्वागत में शरबत डाल, अम्मी इसमें शरबत बनाएंगी। न्यू पतीला निकाल लिया, वाह भाई क्या मोहब्बत है नंद और भाभी की। अच्छा जी, तो ऑफ़िस से आने के बाद जो है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, सबको ही पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऑफ़िस से आने के बाद लेट हो जाती हूँ जिस दिन मेरा ऑफ़िस का हो। और आज मुझे लिटरली रोज़ा बहुत 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 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन खैर अब तो जो है वो वक्त इफ्तार है। और फिर आज तो इफ्तार में भी बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह, तो हम नीचे चलते हैं और नीचे जाके देख लेते हैं कि नीचे जो है वो इफ्तार में क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं और क्या क्या जो है वो कम्प्लीट हो गया है। ओके माशाल्लाह, आज जो है इफ्तार में पहली जो मैं मेन्यू आपको दिखाती हूँ, मतलब यहाँ पे जो है पूरा दस्तर माशाल्लाह से सजा हुआ है, सबकी एक एक कटोरी चार ताई ने बना के रख दी है। ये मेरी ताई अम्मी बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती हैं। अभी सिर्फ जो है कटोरी चाट रखी हुई है, इसके बाद जो है अभी और पकौड़े रखे हुए हैं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आएँगी। और ये सबसे बड़े रोज़ेदार जो है ना पहले से ही बैठ गए, और ये मेरा पूछा छोटा सा आपको। अच्छा हाँ, आज रोज़ा हो रहा है बाकी। चाचू भी जॉब से आज जल्दी आ गए क्योंकि इनकी बहन आई हुई है, बाबा ने आज जॉब को ऑफ कर लिया क्योंकि बहन आई हुई है। सारे जो है वो फुल हटाएं तो आप कैसे जा रहा है आपका रोज़ा भाई? यशु चाचू, मैं रोज़े में पर्दा करता हूँ। किससे? आवाम से। ओ माय, बस कर दें चाचू, कैसे जा रहे हैं रोज़ा? जो है चाची चटनी बना रही है, चाची बना रही है चटनी। और चाची इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है वो बनाए हुए हैं चाची ने दाल, अच्छा रात के खाने के लिए। और चाची इसके अंदर क्या है? और इसके अंदर है बहुत मज़े के छोले। माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है वो सब ने सारी तैयारी कर ली है अपने खाने की, बस अभी इफ्तार खुल जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो रोज़ा लग रहा है, शदीद वाला। जी तो अब हमारा दस्तर लग चुका है, मैं आप लोगों को फाइनली दिखाती हूँ कि दस्तर पे क्या क्या सामान है। इन सब की मेहनत, इनकी नंद की आने की खुशी में जो इन लोगों ने मेहनतें करी है ना वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। इतना पूरे रमज़ान मेहनत से हमें जो है ना इतनी सारी चीज़ें नहीं बना के खिलाएँ, टू बी ऑनेस्ट। माशाल्लाह से जो है फ्रूट यहाँ पे ये वाली चाट है, कटोरी चाट, तरबूज, और यहाँ पे दोबारा तरबूज, छोले, और जो है पकोड़े, और इसके अंदर जो है वो है हमारा शरबत, ग्रीन वाला एक, ये वाला है एक, रेड वाला है। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह से एक ऑरेंज, हाँ वही ना। और यहाँ पे जो है ऊपर दोबारा से वही सारा दस्तर लगा हुआ है। और ये अम्मी जी ने जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ बनाई है ये वो है पकोड़े, वो जो क्या नाम है, कि पता नहीं कौन से अंडे वाले पकोड़े जो बनाए थे अम्मी ने, ये वो हैं। और ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े के लग रहे हैं देखने में यार, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं ये। हम जब आप चप्पल बेच रहे हैं? आज नहीं तो कल, तो हम लोग चप्पल बेचते हैं। और हम चप्पल नहीं बेच रहे, हम चप्पल सिलवा के लाए हैं आज दिन बगैर चमड़े की, और उसमें हम लोगों ने डाली है रस्सी से सी गई है वो चप्पल, इस वजह से जो है वो बेहतरीन चप्पल है। अब ये दो जगह अफ्तारी हो रही है हमारे घर में, सब्सक्राइब करना ना भूल लीजिएगा, दो जगह जो है अफ्तारी का प्रोग्राम चल रहा है इस वजह से। अच्छा आज इफ्तारी के प्रोग्राम चल क्यों रहा है? आज असल में हमारे घर में बड़े बहुत बड़े मेहमान आए हैं, बड़े ऊंचे पैमाने पे बहुत बड़े मेहमान है। वो कौन है? उनकी कार भी खरीदी, कार में आए, कार दिखाने, नंबर दिखा। जी जी मेरी कार दिखा दी। आप लोग का कोई ताल्लुक है तो आप रब्ता कर सकते हैं। अमजद पप्पा यार, सही। जी अब यहाँ पे जो है सब नमाज वगैरह अदा कर रहे हैं सब कुछ होने के बाद। मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ कि माशाल्लाह पप्पो ने ये बनाया है। पप्पो मेरी बहुत छोटी पप्पो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जब भी आती है ना तो ऐसी कुछ ना कुछ बना कर लेकर आती हैं, और ये सारे रुके ये खुद पप्पो ने बनाया है। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है बहुत। ए से अशु चाचू, और एम से चाची। जी तो इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग होता है एंड। आज माशाल्लाह माशाल्लाह से 22 रोज़े कंप्लीट हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह से नहीं बल्कि आज तो 21 रोज़े कंप्लीट हुए हैं। ओ माय गॉड, 21 रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए हैं आज। और इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग होता है एंड। आई होप यू लाइक इट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और इसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी लास्ट में प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।